लड़का बाहर कमात। ये लड़का कहाँ है आपका? पंजाब। पंजाब में है? आपकी बात हुई उससे? दी प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान यूपी बिहार के लाखों मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। एक तरफ उन्हें खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके परिवार वाले उनकी बाट जो रहे हैं। मैं ज्योति यादव बिस्मी टस्कीन के साथ आज ऐसे ही परिवारों से मिलने यूपी के सीतापुर जिले में लगभग 90 किलोमीटर दूर आए हैं। हम अभी सरयू, शारदा और घाघरा नदी को पार करते हुए 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके उन गांवों तक पहुंचेंगे जिनके बेटे और जिनके पति शहरों में काम के लिए गए थे। कुछ ही दिन में यहां बाढ़ भी आने वाली है, तो हम उनकी तकलीफों और उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे। और खेती पाती से काम मेहनत मजूरी से चलते है, रहा जानवर उठो रही है तो उन्हें यहाँ चराई खवाई थी। और लड़का बाहर कमात। ये लड़का कहाँ है आपका? पंजाब। पंजाब में है? आपकी बात हुई उससे? पंजाब में कहाँ बात हुई अपने बच्चे से? फोन नहीं है। चिंता हो रही है उसकी? जरूर है। क्या क्या लग रहा है आपको, कैसा होगा वो वहाँ पे? खाना मिल रहा होगा? खाना ना मिला तो वही, अब जब मंजूरियत ना है तो खाना को दे दी हो को माताजी बैठ। उसका इंतजार कर रहे हो आप लोग? हाँ। माँ के, उसकी माँ चिंता नहीं कर रही है बहुत? काहे चिंता काहे कर, जब हमारे यहाँ से गिरत है लड़के खाते तो गिरत तो माताजी गिरे करती हुई। कंपनी में काम है लो क्या कर। आपकी बात नहीं हुई है? बात तो हुन करते। क्या बताता है वो वहाँ? आए नहीं पावत। मजबूरी बताता है? मजबूरी बताओ थे। और क्या बताता है? राशन पानी कहूँ कंपनी से नहीं पावत है, कंपनी तरफ से तो खाद पिए थे और नहीं कुछ कामो धंधा कुछ ना है ऐसे परे। चिंता नहीं सत्ता? रोता है दिन भर? रोत है, रोता रहता है। आपको उसकी रोलाई सुन के क्या लगता है? हम सब रोए थे यहाँ घरे। आप लोग भी रोते रहते हैं? भरे और रोए ने भरे बात हो तरह तो भरे और रोए कहीं रो ना आए न पेबे। क्या कह रहे हैं, आएगा नहीं आएगा? आपको आस है आ जाएगा? अब ये आस आते ना कि जब गाड़ी चल जाए तो आई पेबे, भाड़ा किरावा तो है ही नहीं। जब काम ना है तो भाड़ा किरावा कहाँ है? दोनों ही एक जगह फंस गए हैं। उन्नो संग है, बच्चे पत्नी शादी ना है भाई। कुमारे हैं? क्या क्या उम्र है? अरे उम्र एक के रहे 25 साल के और ये को है 18 18। क्या नाम क्या है दोनों के? एक के अनिल नाव है छोटे वाले के और बड़े वाले के प्रमोद नाव। कितने साल से थे वहाँ पर? साल भर हो गए। हाँ। कमाने के लिए गए थे। अब पैसे आप लोग उनके पास नहीं भेज सकते यहाँ से? अभी कितना भेज दी पैसा उनके खाते? खाता उनका है नहीं, खाता नहीं है। आ जाए अगर पैसे भिजवा दो तो? तो कितना हम भिजवाए दी, नहीं है पैसे हैं। अब कमाते हुए सब जने रहा तो वह सब हमारे सबका खर्चा पूर कर दे रहा। सब का है कि दिक्कत है, यहाँ मजदूरी करते हैं घुसर गए, मजदूरी वाले कुछ नहीं आ पाए, वो आ नहीं पा रहे हैं तो वहाँ वो रो रहे हैं, यहाँ मम्मी पापा रो रहे हैं। कैसे संभाल रही हो आप अकेले? तो कैसे क्या मतलब कैसे परिवार को आप संभाल रही हो, मम्मी पापा को? यहाँ एक जैसे है भाई तो वो यही पार जाता है, वही पार जाता है, फिर भी राशन जो है तो खाना हुआ कल खाना मिला है तो वो उतार नहीं मिला, फिर भी लॉकडाउन में है, बिक्री नहीं हो रही है, कहीं कोई आ जाए नहीं पा रहा है, कैसे उनका लावें और कैसे उनके पास पहुँचे, कैसे मुलाकात हो, मुलाकात के लिए वो रो रही हैं, वहाँ यहाँ मम्मी पापा रो रही हैं और रोते रहते। अब वहाँ जैसे भूखे प्यासे हैं, कहीं पाते हैं 24 घंटे बाद, कहीं नहीं पाते हैं, खा रहे हैं, रो धो के रहे। बात हो जाती है फोन पे, बात सही नहीं होती है और रोने के आगे कर ही नहीं पाते, बस रोते रहते हैं। हाँ।
आपने देखा कि कैसे 70 वर्षीय रामफल का परिवार उनके दो बेटों के पंजाब में फंसे होने के गम में सारा दिन डूबा रहता है। उनकी पत्नी और उनकी बेटी को सारा दिन उन दो लड़कों की ही चिंता सताई रहती है कि कैसे वो लॉकडाउन में यहाँ आएंगे। और इसके साथ साथ इनकी चिंता और भी बढ़ जाती है जब इन्हें लगता है कि 15-20 दिन में बाढ़ इनके दरवाजों पर दस्तक देगी और इन्हें पेड़ पर अटान बनाकर कुछ दिन पानी में गुजारने पड़ेंगे। मैं ज्योति यादव बिस्मी टस्कीन के साथ द प्रिंट के लिए उत्तर प्रदेश में।